अजपा जाप यानी बिना जपे जो स्वतः ही सद जाए, जिसकी गूंज आप अपने भीतर देख पाए, इसे ही कहते हैं अजपा जाप। अगर आप अजपा जप को समझना चाहते हैं तो आपको पहले भगवान बुद्ध द्वारा दी गई विपसना ध्यान विधि पता होनी चाहिए। और असल में विपसना ध्यान विधि का अर्थ क्या है? विपसना का सीधा अर्थ है अपने भीतर पलटना, विपसना अपने भीतर प्रवेश पाना। इसे ऐसे समझते हैं, अभी आपके भीतर जितनी भी शक्ति मौजूद है जो सक्रिय रूप में है, उस शक्ति का उपयोग आप अपनी इंद्रियों के जरिए बाहर उपयोग करते हो, मतलब बाहर खर्च करते हो। जैसे आपकी आंखें, इससे आप बाहरी दुनिया देखते हो। आपके कान सब बाहरी दुनिया सुनते हैं, क्योंकि आप इस बाहरी दुनिया को ही सत्य मानते हो। अरे भाई, हर चीज के दो पहलू होते हैं। इस बाहरी दुनिया के परे भी एक दुनिया है जो आपके भीतर ही है, ये सूक्ष्म है। आप इस दुनिया को अपने इस फिजिकल बॉडी में मौजूद जो भी यंत्र हैं, इनसे नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, इन यंत्रों में, इन इंद्रियों में यूज हो रही वो ऊर्जा, वो शक्ति, आप उसे भीतर ही रोककर पलट सकते हैं। फिर उस शक्ति का उपयोग आप भीतरी दुनिया को देखने में कर सकते हैं। आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि एक कमरा, आप उस कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर दुनिया को देख रहे हो, और आपको लगता है कि इस कमरे के बाहर इस खिड़की के जरिए जो भी कुछ दिखाई देता है, ये भौतिक संसार, यही सत्य है। आपको अपने उस कमरे का पता ही नहीं होता। जिस शरीर रूपी कमरे में आप खिड़की के बाहर खड़े हो, उस कमरे के भीतर का तो बहुत दूर की बात है। ज्यादातर लोगों को उस कमरे का ही बोध नहीं हो पाता। और जब आप अपनी सभी इंद्रियों को अपने भीतर मोड़ते हैं, जब आप ये भौतिक संसार देखना बंद करते हैं, आप अपनी इंद्रियों के जरिए उस ऊर्जा को खर्च नहीं करते, उस शक्ति को अपने भीतर जाने में लगाते हैं, उस कमरे का खालीपन व शून्यता देखते हैं। मतलब विपसना वो है कि आप कमरे की खिड़की बंद कर होशपूर्ण होकर अपने भीतर के जगत को देखते हैं, यही विपसना है। और जब आप इस विपसना ध्यान में उतर जाओगे, इसे साध लोगे, तो सबसे पहले आप अपने भीतर प्रवेश करने के बाद जो अनुभव करोगे, वो होगा आपका आपके प्रति ही जागना, अपने स्वयं के शरीर के प्रति जागना। आप जानोगे कि ये शरीर अलग है और वो देखने वाला अलग है। आप जानोगे शरीर में जो भी पीड़ा होती है या शरीर जो कुछ अनुभव करता है, वो आप नहीं हो। आप जानोगे शरीर को जो भी कष्ट होता है, वो शरीर को हो रहा है, आपको नहीं। आप साक्षी हो जाते हैं, आपको एक अलग ही प्रकार का अनुभव होने लगता है, आप अपने आप को अलग और शरीर को अलग जान पाते हैं। तो जो लोग ध्यान में सीधे सीधे नहीं उतर पाते, सोचते हैं बिना करे कुछ हो ही नहीं सकता, ध्यान भी नहीं हो सकता, जबकि ध्यान का अर्थ है कुछ न करना, ध्यान अपने आप ही सदता है। लेकिन कुछ लोगों को चाहिए होता है कुछ करने को हो, तो उन्हें करने के लिए कुछ मंत्र दे दिए जाते हैं, और मंत्र जाप करते करते एक दिन ये मंत्र भी कहीं खो जाते हैं और साधक ध्यान में उतर जाता है। लेकिन अजपा वो जाप है, वो मंत्र है जिसे जपा नहीं जा सकता। ये तो आपके भीतर पल पल ही जपा जा रहा है। आपकी श्वास जो पल पल बाहर की ओर आ रही है और भीतर की ओर जा रही है, ये अपने आप में ही आपके भीतर का एक मंत्र है, एक जाप है। बस आपको जरूरत होती है इस सांस को देखने की, होश पूर्वक देखने की, इसकी ध्वनि को सुनने की। शुरुआती समय में ये अजपा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देने लगते हैं, तब आपका अजपा सधने लगता है, ये जाप होने लगता है। असल में ये जाप तो आपके पैदा होते ही हो ही रहा है, ये श्वास आपकी चल ही रही है, बस आप सोए हुए हैं। आपका होशपूर्ण आपकी श्वास पर ध्यान लगाना आपका अजपा में उतरना है। अगर आपको गुरु द्वारा कोई मंत्र दिया गया है, तो उस मंत्र को होशपूर्वक आप अपनी श्वासों में उतारो। तो जब कोई मंत्र आप अपनी श्वासों के द्वारा जपते हो, तब ये जाप आपकी श्वासों के द्वारा आपके मन की परतों में प्रवेश करता है। आप इस श्वास को समझो, श्वास है क्या? श्वास आपके शरीर और मन के बीच की एक कड़ी है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी श्वास आपके शरीर के द्वारा चल रही है, आपके शरीर से ही चल रही है,
लेकिन इस श्वास का प्रभाव आपके मन पर ही पड़ता है। और ये मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया है, अपने श्वासों के जरिए आप अपने मन की भीतरी अवस्था को बदल सकते हैं। तो हमारे मन की भी दो परतें हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। हमारा चेतन मन विचारों से भरा हुआ है और हमारे अवचेतन मन में हमारे भाव हैं, हमारा बिलीव है, हमारी पुरानी यादें हैं, पुराने भावनाएं, पुराने संस्कार, इवन हमारे पूर्व जन्मों की स्मृतियां। और हम में से ज्यादातर लोग इस अवचेतन मन के बारे में नहीं जानते, हर कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता। हम जो भी कुछ सुनते हैं, जैसे आप ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मेरी ये बातें, ये जानकारी केवल आपके चेतन मन को प्रभावित करती है। हमारे अवचेतन मन तक बहुत कम चीजें जा पाती हैं। हाँ, सम्मोहन की विधि से वहां पर जाया जा सकता है। अब पॉइंट पर आते हैं, हमारा जो ये ध्यान है अजपा जाप, जब आप ये करते हैं, अपनी श्वासों पर ध्यान लगाते हैं और आपकी श्वास आपके शरीर के द्वारा घटित हो रही है और ये आपके मन पर प्रभाव डालती है, चेतन मन और अवचेतन मन दोनों ही तल पर। जब आप श्वास लेते हैं और बाहर की ओर छोड़ते हैं तो उसे आपकी नाभि से ऊपर की ओर उठाया जाता है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे अवचेतन मन का स्थान कहां पर होता है। हमारे अवचेतन मन का स्थान हमारी नाभि पर होता है। हमारी नाभि वो केंद्र है जिसमें हमारे अवचेतन मन का जो एंट्री पॉइंट है वो आपकी नाभि पर है। और इसके बारे में ओशो ने भी बताया है कि आपने बच्चे को देखा होगा कि जब कोई बच्चा सोता है तो जब वो श्वास लेता है तो वो नाभि से लेता है। श्वास लेते समय उसका पेट ऊपर नीचे होता है और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग इस समाज के हिसाब से कर दी जाती है और हम श्वास गलत ढंग से लेने लगते हैं, जिससे हमारे सांस लेने पर हमारी छाती ऊपर नीचे होती है। यानी हम श्वास अपने केंद्र बिंदु नाभि से नहीं लेते, जबकि श्वास की प्राकृतिक अवस्था हमारी नाभि से ही है। तो एक बच्चा अपनी श्वास नाभि से ले रहा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वह बच्चा अपने अवचेतन मन पर ही जी रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक छोटे बच्चे को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है और उसे सूक्ष्म जगत की चीजें भी दिखाई पड़ती हैं और उसका अभी तक चेतन मन डेवलप नहीं हुआ होता है। तो नाभि तक श्वास लेने पर क्या होता है, तो जब श्वास के द्वारा उस जगह उस नाभि पर चोट की जाती है तो उससे अवचेतन मन में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो हट जाते हैं, वो सांस के धक्के से उस चोट से वो खुल जाते हैं और धीरे धीरे वो विकार दूर होने लगते हैं। इसमें एक और प्रयोग है, जब अपनी श्वास को नाभि से ऊपर की ओर ले जाया जाता है, अपने माथे के बीचों बीच जो थर्ड आई पॉइंट है या फिर उससे भी ऊपर जो आपका सहस्त्रार चक्र है, नाभि से उठती श्वास के साथ जब अपने ध्यान को सहस्त्रार चक्र तक ले जाया जाता है, तब आप अपने ही भीतर वो भीतरी प्रकाश देख पाते हैं। हजारों सूर्य की चमक, ये यूनिवर्स आपके भीतर दिखाई पड़ता है। और ये अजपा जाप, ये श्वासों वाली विधि इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल है कि आपका जो मूलाधार चक्र है अपनी सारी ऊर्जा को वहां से उठाकर अपनी श्वासों के जरिए विजुलाइज करते हुए ऊपर की ओर लेकर आना है, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र और अंतिम सहस्त्रार चक्र तक, जिसे गगन मंडल या क्राउन चक्र भी कहा जाता है, वहां तक उस श्वास को उठाया जाता है। आप इसे करके देखना, जब आपकी श्वास ऊपर की ओर जाती है तो आपकी श्वास के साथ साथ आपका ध्यान भी ऊपर की ओर जाता है और जो ऊर्जा है जिसे हम प्राणवायु कहते हैं वह नीचे से ऊपर की ओर उठती चली जाती है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जो एक ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, आम इंसान, उनका ध्यान नीचे की ओर उलझा होता है, नीचे वाले चक्रास की ओर, तो इस विधि से वो नीचे की ओर से ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। ये ऊर्ध्वगमन कहलाता है। हमारे शरीर के भीतर की ऊर्जा आमतौर पर नीचे की ओर बहती है। काम वासना, धन दौलत, अपने शरीर पर ही ध्यान रहना, हम इन्हीं में उलझे रहते हैं, इसका मतलब आपकी ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है या वहीं एक जगह पड़ी हुई है। जब आपकी ऊर्जा धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर आने लगती है, वह आज्ञा चक्र तक आ जाती है। आज्ञा चक्र के बाद उसका प्रवेश होता है सहस्त्रार चक्र पर, जो सबसे आखिरी स्थान है। और जब आप अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र तक लेकर आ जाते हैं, तब आप आध्यात्म की एक नई दुनिया में प्रवेश पा लेते हैं।
भौतिक जगत के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो अजप्पा जाप से सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है आपकी कुंडलिनी का। जब सबसे नीचे के चक्र से ध्यान और श्वास के कॉम्बिनेशन से यह ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहती है तो आपके सातों चक्रास उनकी जितनी भी अशुद्धियां होती हैं वो सब साफ शुद्ध हो जाती हैं। उनके ब्लॉकेजेस श्वास के जरिए बह रही उस एनर्जी के जरिए वो ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि श्वास तो आप पल पल ले रहे हो, तब ये ब्लॉकेजेस अपने आप क्यों नहीं खुलते? क्योंकि आपके श्वास के साथ में ध्यान की वो शक्ति नहीं जुड़ी है। जब आप श्वासों पर अपना ध्यान लगा लेते हो तो श्वास के साथ एक ऊर्जा बहने लगती है। उस ऊर्जा के धक्के से ही हमारे चक्रास के वो ब्लॉकेजेस खुलते हैं। मतलब आप संसार की वो सभी एनर्जी को आप अपने भीतर केंद्रित करके उसे ऊपर की ओर ले जाते हो। उन चक्रास को खोलते हुए हमारी एक कुंडलिनी जागरण इतना आसान विषय नहीं है। इसके नियम विधि विधान बहुत मुश्किल है, लेकिन ये अजप्पा जाप ये इसे सहजी बहुत आसान कर देता है। अगर विधि विधान से कुंडलिनी जागरण करते हो तो उसके लिए कई नियम होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने खान पान में बदलाव करना, सात्विक फूड वगैरह, और बहुत सारे यम नियम उसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये अजप्पा साधना बिल्कुल सीधा रास्ता है। यहाँ पर आपको घूम फिर कर नहीं आना, कोई विधि विधान यहाँ कोई नियम नहीं है। यह साधना आपको सीधा ही वहां तक ले जाती है, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट करती है। अजप्पा साधना शुरू शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते रहोगे तो यह स्वतः ही आपको घटने लगेगी। केवल आपकी सांसों पर ही तो ध्यान देना है। धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब ये अजप्पा ध्यान 24 घंटे होश पूर्वक आप में घटने लगेगा। ये ध्यान स्वतः ही होने लगेगा और आपके भीतर घटते हुए उस आनंद में गोते लगाओगे। आपको भीतर से वो परम आनंद, वो खुशी, वो एहसास जिसका सांसारिक सुख से कोई मुकाबला नहीं, वो आपके भीतर फूटने लगेगा। तो यह है अजप्पा जाप की साधना। और इससे रिलेटेड आपके जो भी सवाल हो वो मुझे कमेंट कर देना।